अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू क्लास ऑफ क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन लैब। हम लोगों ने यहाँ पर करने हैं एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन CSI के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट सेक्शन में बताया था कि आप लोगों ने दो ग्रुप्स बना लेने, अपनी क्लास को डिवाइड करें और अपनी लैब से पहले पहले मुझे CR दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स अलग अलग करके दे देगा। उसके बाद हमने ये करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट होगी ना कि आपने अपनी क्लास को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, दो ग्रुप्स बना लेना है। अब सेकेंड आपने ये करना है कि सब बच्चों ने प्रैक्टिकल नोटबुक्स लेनी है। प्रैक्टिकल नोटबुक्स वही वाली जो आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के लिए ले रहे थे, वो जो नॉर्मल नोटबुक होती है वो लेनी है। और क्या होता है कि हर लैब करने से पहले कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, तो वो सेफ्टी रूल्स आपने लिखने हैं अपनी कॉपी पे। तो पहले पेज पर तो आप ये लिखेंगे जनरल फॉरेंसिक लैब के सेफ्टी रूल्स, और सेफ्टी रूल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सारे के सारे वही होते हैं कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, आई ग्लासेस पहननी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं, आपने किसी भी इंसिडेंट या केस के ऊपर अपने इंस्ट्रक्टर को बताना है, और आप लोगों को सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज़ करना आना चाहिए, और एसिड्स वगैरह बेस वगैरह को यूज़ नहीं करना है, और आइस पे अगर कोई चीज़ चली जाए तो उसको वॉश करना है, और केमिकल स्पेशल नहीं होने चाहिए। विदाउट इंस्ट्रक्टर की परमिशन आपने कोई काम नहीं करना है, किसी भी को हाथ नहीं लगाना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने उसको बताना है, और यही सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। मतलब लैब के रूल्स तो वही होते हैं ना, जो एक लैब के जो एक जनरल लैब के रूल्स होते हैं, तो फॉरेंसिक लैब के रूल्स भी यही सारे हैं। अब सबसे पहले तो आपने सेफ्टी रूल्स लिखने हैं, और उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखना है, और उस पर लिखना है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लास्ट सेमेस्टर में जो हमने क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उनके बारे में अंडरस्टैंड करने की हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे, उनके बारे में हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब आपको पता है कि जब भी कोई हमें एविडेंस मिलता है तो उसके हर चीज़ के कुछ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी मदद से हम उस पर्सन तक ना पहुंच सकें पर हमें एक ग्रुप के बारे में पता चल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ब्लड मिला है क्राइम सीन से, तो उस ब्लड की डिटेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि ये इधर ब्लड है कि रेड कलर है, तो वो जो ब्लड की डिटेक्शन होगी वो उसका क्लास कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसके अंदर जो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि ये ब्लड है, वो उसके क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक, ये भी होगा कि ब्लड पता चल गया, अब हमें आगे हमने इसके ऊपर टेस्ट किया और हमें ये पता चला कि जो ब्लड है ये एनिमल स्पीशीज से है या ये ह्यूमन स्पीशीज से है, तो ये उसका क्लास कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक ब्लड जो है ये कौन से वाले ह्यूमन का है? वो इंडिविजुअलाइजेशन होगी। तो ये बातें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप का पता लग जाता है, एक स्पेसिफिक क्लास का पता लग जाता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ किस ग्रुप से रिलेटेड है। और जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उससे हमें उस पर्सन की आइडेंटिटी होती है उस वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे हमें 100% श्योर हो जाती है कि ये वाला ही इंसान था। फॉर एग्ज़ाम्पल फिंगरप्रिंट्स, जब हम फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला पर्सन कौन था। जब हम DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इंडिविजुअलाइजेशन हमें बता रहा होगा। अब जो एविडेंस होते हैं नॉर्मल हमें मिलते हैं क्राइम सीन के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई शू के निशान मिले हैं, कोई जूता मिला है, तो उधर भी वेयर करने से, कोई भी चीज़ को पहनने से, उसके ऊपर पहनने के बाद वो चीज़ जो होती है प्रेशर क्रिएट होने के बाद उस चीज़ का स्ट्रक्चर बदलता है। तो वो वाला जो पैटर्न होता है, कोई जूता है फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको पहना है तो वो साइडों से धंसा हुआ होता है, घिसा हुआ होता है, तो वो वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस
एक्सपेरिमेंट के बाद आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे। कोई भी अगर मैं आपको एविडेंस दूँ, कोई भी अगर मैं आपको चीज़ दूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे, उसके वेयर और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे, मतलब यू विल बी एबल टू सेपरेट दैम, ठीक है, डिस्टिंग्विश दैम। अब क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे उन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन बताई हुई है और समझाया हुआ है, तो ये भी अब आप लोग पढ़ लें, इसमें से भी पेपर आ सकता है, ठीक है। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स शेयर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेम सर्टेन क्लास और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बायोलॉजिकली क्लासिफाइड एज होमो सैपियंस, वही बात की तमाम के तमाम ह्यूमन जो है वो होमो सैपियंस हैं। इधर दे लुक डिफरेंट। All humans have two arms, two legs, one trunk, one head and other features that classify them as a human. तो ये सारे के सारे characteristics होने से हमें पता चल रहा है कि ये इंसान है, तो ये उसके होंगे class characteristics. The features that classify groups are known as class characteristics. तो ये सारे के सारे features जिससे हमें पता चलेगा कि ये animal है या ये human है, ये blood animal का है या ये blood human का है, या फिर अगर ये शू है तो वो जूता जो है वो कौन से वाले ब्रांड का है, तो वो जो ब्रांड है वो उसका क्लास कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो उसका लोगो होगा वो, क्योंकि उस ब्रांड के अंडर बहुत सारे और जूते भी होंगे। व्हाइल द क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू कैटेगराइज इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट यूनिक इनफ टू इंडिविजुअलाइज और एसोसिएट आइटम्स ऑफ फिजिकल एविडेंस टू अ कॉमन फीचर। ये बात भी हमें पता है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ उस जगह तक पहुँच सकते हैं, हम पूरी दुनिया के एविडेंस को कलेक्ट करने के बजाय हम सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये हमें हेल्प करता है इंडिविजुअलाइजेशन करने में। लेकिन क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हमें 100% श्योरिटी नहीं देते हैं कि वो कौन सा पर्सन था जिससे ये चीज़ रिलेट करती है। अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिससे हमें 100% श्योरिटी हो जाए, जिनसे हमें 100% श्योरिटी हो जाए कि ये पर्सन जो है, ये एविडेंस जो है वो कौन से पर्सन से रिलेट कर रहा है। जैसे कि अगर हमें कोई क्लोथिंग का पीस मिले किसी क्राइम सीन से, और हमें किसी सस्पेक्ट के घर से भी वही क्लोथ मिले, और जितना हमें फटा हुआ पीस उस क्राइम सीन से मिला था वही वाला अगर हम उस सस्पेक्ट के कपड़ों के साथ जोड़ें, तो वो बिल्कुल एक पज़ल जो है वो सॉल्व होती हो। तो वो जो पीस जिससे हमें पता चल रहा है, जो एक मैच है, 100% फिजिकल मैच है, वो उस जगह का, वो उस चीज़ का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स और किसी कपड़े में नहीं होगा। इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज़ फोटोग्राफ्स ऑफ अ शू सोल, ठीक है। अभी जो हम देखेंगे वो हम एक फोटोग्राफ देखेंगे जूते की सोल का, और हम डिस्कस करते हैं कि उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, उसके क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और उसके वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू देना है, आपने लिखना क्या है अपनी लैबोरेटरी की बुक में, आपने सबसे पहले तो ये सारे के सारे सेफ्टी रूल्स लिखने हैं, उसके बाद ये जितना बेसिक वर्क है ये भी आपने लिखना है, ठीक है। इससे आपको डेफिनेशन का याद हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तब मैं आपको अगर कहूँगी डिफाइन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफाइन वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपने खुद से लिखना है। अब प्रोसीजर भी आपने लिखना है, जैसे इससे लिखा हुआ है। अब जो ये पिक्चर्स की बात है, तो ये पिक्चर्स जो हैं ये आप बना के ब्लैंक जो वाइट पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट करा लीजिएगा एज इट इज़, और इनको पेपर पेस्ट कर दीजिएगा। अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है, लिखना लेकिन आपने अपनी वर्ड में है, वर्डिंग में है, और हर बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा जो उसको समझ में आया, और फिर मैं चेक करूँगी अगली फिज़िकल जो हमारी लैब होगी उसमें। और अगली फिज़िकल लैब में मैं आप लोगों को ख़ुद से कोई ना कोई चीज़ दूँगी, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, और आपने उसके दो ग्रुप्स होंगे तो मैं दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट चीज़ दे दूँगी, और आप लोगों ने, हर ग्रुप के पर्सन ने अपना डेटा जो भी उसको समझ आ रहा है वो एज इट इज़ जैसे मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ ऐसे ही लिखना है। मतलब कि एक्सपेरिमेंट ये हम प्रोसीजर है ना, अभी आप ये लिख लोगे सारा का सारा जो मैं अभी समझा रही हूँ, जब मैं आपको दूँगी तो जो मैं चीज़ आपको नेक्स्ट जो भी आपको मैं एविडेंस दूंगी उसके बारे में भी जो भी क्वेश्चंस आगे होंगे वो भी आपने फिलअप करके लाने हैं उससे अगली जो भी लैब होगी उसमें। मतलब मैं हर लैब के बाद चेक करूंगी कि आपने कितनी नोटबुक बना ली है। अब इस वाले लैब प्रोसीजर में उन्होंने कहा है कि आपने रिव्यू करनी है ये दो पिक्चर्स, स्टडी करें इन दोनों की फोटोग्राफ्स और देखें कि इन दोनों इन सब में सिमिलैरिटी क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं।
अब देखो ये एक जूता है, अब इस जूते के अंदर क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो और जूतों में भी हो सकते हैं जो उसकी क्लास डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो ये लोगोज़ हैं, इस लोगो से हमें पता चल रहा है स्पेसिफिक ब्रांड का। और ये इसके पैटर्न्स, यहाँ पर है जिगजैग पैटर्न। अब ये वाला जिगजैग पैटर्न से भी हमें पता चल रहा है कि ऐसे और भी बहुत सारे जूते होंगे इस ब्रांड के अंडर जहाँ पर ये पैटर्न होंगे, पर इस पैटर्न से, इस पैटर्न को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला जूता किस इंसान ने पहना हुआ है। तो ये होंगे उसके क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके साइज भी उसके क्लास कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्यों? क्योंकि जो साइज़ है बहुत सारे किसी भी और जूते का भी साइज़ ऐसा हो सकता है। इस तरह के रेप्लिकेशन में जूते बने होंगे, नौ नंबर का जूता तो उन्होंने बहुत सारे बनाए होंगे ना उस ब्रांड के अंडर। यही वाला जूता नौ नंबर में भी पड़ा होगा, आठ नंबर में भी पड़ा होगा, पाँच नंबर में भी पड़ा होगा। अब जो पाँच नंबर में पड़ा होगा वो भी एक नहीं पड़ा होगा, बहुत सारे होंगे, नौ नंबर में भी बहुत सारे होंगे। तो ये सारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उस चीज़ के। फिर होते हैं वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स या वेयर पैटर्न्स। वेयर पैटर्न्स क्या होंगे, जब आपको जूता पहनते हो तो वो आपके पाँव के प्रेशर के साथ डिफरेंट प्रेशर की वजह से डिफरेंट जगहों से घिसा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ से, ये देखो ये वाली जगह और ये वाली जगह, यहाँ से पैटर्न जो है वो उतरा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर की वजह से, ये वाली जगह पे प्रेशर की वजह से, यहाँ से देखो प्रेशर की वजह से वो घिस घिस के ख़त्म हुई हुई है पैटर्न्स। तो ये सारे के सारे पहनने की वजह से, किसी जूते को पहनने की वजह से पैटर्न बना है, ये पैटर्न होता है वेयर पैटर्न। अब इस वेयर पैटर्न से भी हम इंडिविजुअल को नहीं पहचान सकते हैं, हम क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी नौ नंबर का जूता पहनो और मैं भी नौ नंबर का जूता पहनूँ तो जूता पहनने से इतने सी तो चीज़ें होती ही हैं ना वेयर टेयर से। लेकिन इससे हमें ये अंदाज़ा ज़रूर हो सकता है कि ये जूता कितना पुराना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जितना पुराना होगा उतनी ही ज़्यादा ये लाइन्स होंगी वो कम हुई हुई होंगी, तो ये हेल्प करेगा। लेकिन ये भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। अब इंडिविजुअल और एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगे जो सिर्फ और सिर्फ उसी जूते के ऊपर लगे हुए होंगे और किसी जूते के ऊपर वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो इंसान जिसका भी वो जूता था वो उसको पहन के जिस भी जगह पे गया वही अकेला गया ना, उसके साथ कोई और तो स्पेसिफिक जूता पहन के नहीं गया होगा। तो वो जैसे आप किसी जगह पे जाते हो डर्ट लग जाती है, अब आपके जूते पे जो डर्ट लगी होगी और मेरे जूते पे डर्ट लगी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि आप किसी और साइड पे गए हो, मैं किसी और साइड पे गई हूँ, हम सब एक जगह पे नहीं गए। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर एक्सीडेंटल और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। तो यहाँ पर जो चीज़ें डिफरेंसेस हैं, ये देखो यहाँ पर स्पॉट्स हैं टूटे हुए के, ये एक स्पॉट है ये डिफरेंट है, यहाँ पर कोई चीज़ लगी हुई है, इधर ये एक चीज़ लगी हुई है, ये देखो ये वाली जगह। तो ऐसे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो उस एक स्पेसिफिक जूते में स्पेसिफिकली उसी के अंदर हैं, वो ऐसे वाले मैचेस कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, वो वाला कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल फीचर्स होते हैं। अब इसकी मदद से हम क्राइम सीन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो हमें किसी क्राइम सीन के ऊपर ये वाले जूते के पैटर्न मिले हैं, फुटप्रिंट्स मिले हैं। अब वो जो फुटप्रिंट होगा उसके ऊपर पैटर्न तो होगा, सारा कुछ होगा, वेयर भी हमें दिख रहा होगा कि कहीं कहीं से पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन उसमें इंडिविजुअलिटी क्या होगी, ये वाली जगह, क्योंकि ये वाली जगह की वजह से जो पैटर्न हमें उस फुटप्रिंट का जो पैटर्न मिला होगा वो किसी और जूते से मिलता नहीं होगा। यही जिक्सा का जो मैच होगा वो इसी के साथ होगा। जब हम इसका फुटप्रिंट और ये जूता एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे तो यहाँ पर 100% मैच आ रहा होगा। अगर ऐसा ही जूता हो वो हम रख के देखेंगे लेकिन उसके ऊपर ये दो स्पॉट्स और ये स्पॉट्स नहीं होंगे तो 100% मैच नहीं आ रहा होगा ना। तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें 100% श्योरिटी जाती है, हम उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं, उस एविडेंस की इंडिविजुअलिटी देखते हैं, वो होंगे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बातें तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया है। अब आप लोगों का काम है, अब आपने पीछे से सब कुछ देख लिया और मैंने जो बताया वो भी आपको समझ में आ गया, अब आप डिफाइन कर सकते हो। अब आपने डिस्क्राइब करने क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स इस आइटम के बारे में, ठीक है। इसकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अपने कॉपीज पे लिख के लाने, आप लिखेंगे क्वेश्चन और ये लिखेंगे और इसके बाद जो भी आपके आंसर होगा वो लिखेंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड कास्ट बाय देयर यूजर वेयर, अब इसमें आप लिखेंगे वो वेयर पैटर्न कौन कौन से आपको दिख रहे हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर एट्रिब्यूटेबल टू एन इंडिविजुअल आइटम, और अब आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर पे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करना है कि कौन कौन से थे। और क्वेश्चन नंबर 5, आप ब्लैंक छोड़ दोगे
मतलब क्वेश्चन लिख के बाकी का ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि इसको आप तब रिजॉल्व करोगे जब मैं आपको अगली लैब के अंदर कोई ना कोई चीज़ दूंगी जिसके आपने वेयर फीचर्स, इंडिविजुअल फीचर्स और क्लास फीचर्स मुझे बताने हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंट मैं कंडक्ट नहीं करा रही हूँ, मैंने आपको ये समझा दिया है, और उस दिन मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी, एक्सपेरिमेंट होगा। ये बातें आई थिंक सब लोगों को क्लियर होंगी।